जी सलाम अलैकुम सलमा। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनीब। जी जी सर, मैं सलमा बात कर रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड की काम के बारे में मालूम करना है ना। फरमाइए बेटा, मियाँ का नाम क्या? सलमा मिजानुर रहमान। क्या मुजीबुर रहमान? मिजानुर रहमान। मिजानुर रहमान जी, मिजान। अच्छा मिजान, मैंने पहली दफा नाम सुना है मिजानुर रहमान। अच्छा तो क्या काम के बारे में क्या प्रॉब्लम है? मकसद है, पहले कारोबार कर रहे थे तो उनका कारोबार चल रहा था, अभी उनका 2 साल हो गए तकरीबन कारोबार चली नहीं, अब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए कारोबार में। क्या कारोबार क्या करते थे बेटा सलमा? ये जैसे पहले कन्फेक्शनरी का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ले रखा था, तो वो उन्होंने इसी चक्कर में खत्म कर दिया। अब उन्होंने चिप्स होती है उसको कारोबार वो लिया बिजनेस, तो वो भी नहीं चल कर दे रहे हैं। बच्चे हैं आपके सलमा माशाल्लाह? जी माशाल्लाह 4 बेटे हैं। अच्छा, और बेटों का भी बच्चों का भी यही हाल है कि वो भी ना इसी वजह से घर में चिड़चिड़ाहट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना बात सुनते ना वो करते। तो बच्चे क्यों नहीं बात सुनते? बच्चों का इस चीज से क्या ताल्लुक मेरे बेटे? अब पता नहीं, अब कोई कहता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश करा रखी है ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे, आपके बच्चे बात ना सुने, आपका कारोबार ना चले। अच्छा सलमा, बड़े बच्चे क्या नाम उम्र क्या है? मुनीबुर रहमान नाम है उनका। अच्छा। और उनकी उम्र 15 साल हो गई है। और सबसे छोटे बच्चे का? छोटे का नाम है मुतैयबुर रहमान। मुतैयब। और ये सारे बच्चे आपको लगता है कि किसी असर में है कि वो बात नहीं सुनते और बदतमीजी करते हैं? मुझे ये नहीं मालूम, बड़े बेटे का तो अक्सर शुरू में पहले सब यही कहते थे कि ये शायद इनके असर इनके ऊपर असर है, क्योंकि इनकी पैदाइश की टाइमिंग कुछ इस तरह के 11:35 से ये हुए थे, तो ये शायद इनके असर है। वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, ना पढ़ने में दिल लगाते ना कुछ करते। अच्छा तो आपको किसने बताया कि 11:35 की पैदाइश जो है ये कोई तासुर रखती है इस पे? आप कहीं गई होंगी ना? जिससे भी बोला वो कहते हैं कि इसलिए पैदाइश की जो टाइमिंग है इनकी, इसलिए ये बात नहीं सुनते, इनके पर असरात है पैदाइश की वजह से, ये है वो है, इसलिए ये इस तरह करते। अच्छा आपने कारी साहब की बात सुनी है, वैसे ये तो एक माँ के लिए तो तकरीबन नामुमकिन है ना कि वो ये फैसला करे कि 11:35 पे बच्चा पैदा करना है या 11:40 पे करना है। ये तो माँ के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी आपके कारी साहब ने। हुजूर एक तो रिस्क के लिए बता दीजिएगा। रिज़्क के लिए सबसे बेहतरीन दुआ एक तो अल्लाह माफ़ी नहीं वो तो बताते हैं, लेकिन जो मेरे तजर्बे में है जी, आप इस दुआ को दुनिया जहान के किसी मकरूद आदमी और किसी ऐसे आदमी को बता दिया जाए जो पहाड़ों के अंदर दबा हुआ है, कर्जों के अंदर दबा हुआ है और उसके उठने की कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क ए बादशाहों के बादशाह, तू तिल मुल्क का मनतशा व तनजुल मुल्क का मिम मनतशा व तू इज्जु मनतशा व तू जिल्लु मनतशा बियादी कल खैरिन नाकला कुल शैन कदीर। ये तो आयत में आगे वाला लफ्ज बहुत बड़ा है, रहमान दुनिया वल आखिरा, ए पूरी कायनात के रहीम और रहमान खुदा मेरे ऊपर भी तू रहम फरमा, मैंने तेरे से हदायत और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का एक सवाल किया है, वो क्या है? मेरा रिज़क है। रहमान दुनिया वल आखिरा रहीम हुमा, इससे आगे पूरे 2 लफ्ज़ वो पढ़ के सुबह शाम या सोने के वक़्त 7-7 दफ़ा ये दुआ पूरी पढ़ ले, गूगल कर ले इंशाल्लाह उल अज़ीज़। एक दफ़ा दुआ फिर पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तू तिल मुल्क मन तशाउ व तनजिल मुल्क मिम मन तशाउ व तू इज्जु मन तशा व तू जिल्लु मन तशाउ बियदी कल खैर इन्ना काला कुल शैन कदीर। रहमानु दुनिया वल आखिरा व रहीमुहुमा तू तीहिमा मन तशा व तमनाउ मिम्मा मन तशा, जिसको तू चाहता है। 7 दफ़ा पढ़ना है, 7 दफ़ा पढ़ लें। अब्दुल अकबर दुरूद शरीफ पढ़ लें, हर एक के लिए। शोहर भी पढ़ सकता है, शोहर भी पढ़ सकती है, शोहर ही शोहर, क्योंकि शोहर का मसला है बिजनेस का, वो जिस वक्त पढ़ेगा ना तो रिजक को अपना मसला ना देखे और अपने कारोबार को ना देखे, राजिक को देखे। जिसकी नज़र रिजक पे होती है और उसके साथ साथ राजिक पे होती है ना, तो राजिक उसको रिजक के पूरे वाफर वसी पमाने पे रिजक अता फरमाता है। अपने घर के अंदर ना सलमा आप सूरह रहमान को लगाना भी शुरू करें, और वो मेरे सारे बहन भाई जो हैं जो समझते हैं कि गुर्बत की वजह से बच्चे बदतमीज़ हैं या रिस्क कम होने की वजह से बच्चे बदतमीज़ हैं, तो वो आज की खबरें ज़रूर सुने जो एक इंतहाई मैं क्या कहूँ बहुत ही इकोनॉमिकली अनफिट बाप की जो बेटी है उसने FSC प्री इंजीनियरिंग में टॉप किया है।
सो ये रिस्क का, ये गुर्बत के साथ जो है ना ये अखलाकियात का ताल्लुक ना जोड़े, क्योंकि सहाबा में से मुझे नहीं लगता कि सहाबे का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बैठे होते थे उनमें से कोई भी ऐसा शख्स था जो कि अपनी रोटी पूरी कर सकता। सो इन चीज़ों को, तरबियत को इस चीज़ से ना जोड़िएगा, लेकिन ये जो वजीफ़ा कारी साहब ने बताया इसको पढ़ते रहिए और यकीन कीजिए कि आपको महीनों में नहीं, आपको दिनों में इंशाअल्लाह ताला रिस्क जो है अल्लाह ताला पहुँचा दे।